हेलो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इन्फो सॉल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं और अपडेट है नीट पीजी 2022 काउंसलिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनएमसी बिल से रिलेटेड थोड़ी बहुत अपडेट्स के बारे में, और साथ ही साथ 5 जुलाई को एक नोटिस आई थी एनबीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे स्पॉन्सर्ड डीएनबी सीट्स को लेके। और आज हम इस वीडियो में स्पॉन्सर्ड डीएनबी सीट्स क्या होती है, कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है और उस नोटिस में क्या अपडेट्स आई हैं, उसी से रिलेटेड अपडेट्स पे थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि क्या 2-3 डेज में डेवलपमेंट हुई है नीट पीजी 2022 काउंसलिंग को लेके, और क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है काउंसलिंग स्टार्ट होने के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो हमारे चैनल पर न्यू है, जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे, ताकि उनको ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स ऑन टाइम हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनबी स्पॉन्सर्ड सीट्स के बारे में। काफ़ी लोगों ने मुझे इंक्वायरी की मुझसे कि स्पॉन्सर्ड सीट्स क्या होती है, और काफ़ी कमेंट्स भी आए थे, कुछ कमेंट्स आए थे कि स्पॉन्सर्ड सीट्स पे वीडियो बनाइए। तो चलिए देखते हैं कि स्पॉन्सर्ड सीट्स क्या होती है। बेसिकली डीएनबी में जो सीट्स गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है उन्हें स्पॉन्सर्ड सीट्स कहा जाता है। ये जो स्कीम है स्पॉन्सर्ड सीट्स की, ये 2020 में लाई गई थी, और इसकी कुछ क्राइटेरिया है स्पॉन्सर्ड सीट्स की, जो हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस को जो फॉलो करनी पड़ती है। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्पॉन्सर्ड सीट्स के लिए, 3-4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताई गई है। नोटिस में भी वही बताया गया है, जो नोटिस आई है एनबीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर सबने देख लिया होगा, उसमें भी यही बताया गया है। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि किसी भी हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन में एटलीस्ट 3 नॉन स्पॉन्सर्ड सीट्स होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए कंसर्न डिपार्टमेंट में। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि 2022 काउंसलिंग में, नोटिस के अकॉर्डिंगली 2022 काउंसलिंग में जो इंस्टीट्यूशन है जिन्हें स्पॉन्सर्ड सीट्स दी जा रही हैं, उन्होंने सबसे पहले सारी नॉन स्पॉन्सर्ड सीट्स के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है, ऑप्ट किया हुआ है। तो ये हो गई 2 क्राइटेरिया। और डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में स्पॉन्सर्ड सीट डाली जा रही है, इंक्लूड की जा रही है, उसमें उसकी एक मिनिमम 1 ईयर की एक्रीडेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ उसमें फैसिलिटी, एडिशनल फैसिलिटी होनी चाहिए कि एक और स्पॉन्सर्ड सीट को इंक्लूड की जा सके। तो ये 3-4 क्राइटेरिया हैं जिसमें स्पॉन्सर्ड सीट किसी भी इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल में इंक्लूड की जा सकती है। अब स्पॉन्सर्ड सीट किसे मिलती है? स्पॉन्सर्ड सीट उन्हें मिलती है जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स होते हैं। कौन होते हैं वो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स? ये वो कैंडिडेट्स होते हैं जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस दे रहे हैं, 3 ईयर्स प्लस सर्विस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने दिया है, और काउंसलिंग के थ्रू, मेरिट बेसिस के थ्रू उन्हें काउंसलिंग के थ्रू आए हुए वो मेरिट बेसिस के थ्रू उन्हें एडमिशन मिली हो और वो फिर सर्विस दे रहे हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे सेंट्रल काउंसलिंग हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे PSU हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट ऑटोनमस स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये क्राइटेरिया है कि इन ये स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयड हो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इन सर्विस कैंडिडेट्स बेसिकली हो, तो ये क्राइटेरिया है। और नोटिस में कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दी हुई है, जैसे कि स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जो हैं उनके पास NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो उन्हें स्टडी लीव के लिए भी अप्लाई करना होगा। जो स्टाइपेंड है एंटायर पीरियड ऑफ डीएनबी ट्रेनिंग की, वो गवर्नमेंट स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ही स्पॉन्सर करेगी, और जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है उसे सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में
पार्टिसिपेट करना होगा, जिसके थ्रू उसे मेरे ऑन मेरिट बेसिस स्पॉन्सर्ड सीट्स अलोकेट हो। तो ये है बेसिकली इस नोटिस में अपडेट। स्पॉन्सर्ड डीएनबी सीट्स क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली वो सीट्स होती हैं जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करती है, और ये बेसिकली इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए होती है। साथ ही साथ इस नोटिस में सीट्स भी इंक्रीज हुई है डीएनबी के लिए, और अराउंड 130 क्लिनिकल सीट्स इंक्रीज की गई है। अगर आप नोटिस देखिएगा तो इसमें जो जो सीट्स इंक्रीज हुई हैं मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जनरल मेडिसिन में 32, जनरल सर्जरी में 20, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में 7, ऑप्थल्मोलॉजी में 12, ऑर्थो में 4, ईएनटी में 1, पीडियाट्रिक्स में 6, पैथोलॉजी में 2, साइकियाट्री में 1, रेडियोथेरेपी में 1, रेडियो डायग्नोसिस में 3, न्यूरो सर्जरी में 3, सीटीवीएस में 4, एनेस्थीसिया में 22, कम्युनिटी मेडिसिन 1, इमरजेंसी मेडिसिन 3, फैमिली मेडिसिन 8। तो ये जितने भी ब्रांचेस हैं इनमें टोटल 130 सीट्स इंक्रीज की गई है, और मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन होना चाहिए इनकी सर्विस को, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को। तो ये पूरी क्राइटेरिया है, ये नोटिस में सारी अभी तक की अपडेट्स है, और डीएनबी में डीएनबी से रिलेटेड जो नोटिस में अपडेट्स दी गई है वो इतनी ही तक है। अब देखते हैं एनएमसी बिल पे कुछ अपडेट्स। तो फ्रेंड्स, अभी तक एनएमसी बिल की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, और हालांकि कुछ स्टेट्स में गई है नोटिस, और नोटिस गई है लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है काफ़ी स्टेट्स से। सिर्फ उड़ीसा में आया था, जिसके बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। साथ ही साथ कर्नाटका स्टेट से एक डेवलपमेंट हुई। कर्नाटका स्टेट की जो मेडिकल और डेंटल एसोसिएशन है, उन्होंने ये कहा था, पब्लिक स्टेटमेंट दिया था वहाँ के सेक्रेटरी ने बेसिकली, कि एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू नहीं है उन्हें, लेकिन जो ओपन कैटेगरी की जो फीस है 11,50,000 55,000 की जो फीस है, वो फी स्ट्रक्चर काफ़ी कम है, और उसे इंक्रीज किया जाए। 11,50,000 की जो फीस है उसे इंक्रीज किया जाए, क्योंकि उससे कम्प्लीटली अगर एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होती है तो वो फीस एडिक्वेट फीस नहीं है, और उससे रन करना इंस्टीट्यूशंस काफ़ी मुश्किल होगी, पॉसिबल नहीं होगा। और साथ ही साथ उनकी जो जीएमपी कोटा है, जनरल मेरिट प्राइवेट कोटा है, उसकी भी फीस इंक्रीज की जाए। जनरल मेरिट कोटा की भी, जीएम कोटा, सॉरी जीएमपी बोल रहा हूँ, जनरल मेरिट कोटा भी जो है उसकी भी फीस इंक्रीज की जाए। तो ये कुछ डेवलपमेंट आई है कर्नाटका स्टेट से। एक्सपेक्टेड डेट जो है काउंसलिंग का, मोस्टली मुझे लग रहा है कि आपको नोटिफिकेशन बाय द एंड ऑफ जुलाई मंथ, इस मंथ के एंड तक आ जाना चाहिए, एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट हो या ना हो। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होगा तो भी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आएगी, और अगर नहीं होता तब भी बाय द एंड ऑफ मंथ काउंसलिंग शेड्यूल से रिलेटेड कोई नोटिस, कोई नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए, और अगस्त 1 वीक तक काउंसलिंग शेड्यूल स्टार्ट हो जानी चाहिए, जैसा इंडिकेशन दिख रहा है हमें। तो इस मंथ तो काउंसलिंग स्टार्ट होना मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन बाय मंथ ऑफ अगस्त, 1 वीक ऑफ अगस्त काउंसलिंग की आप एक्सपेक्ट करते हैं कि काउंसलिंग की शेड्यूल, स्पेशली एमसीसी काउंसलिंग की शेड्यूल आ जानी चाहिए। तो अभी तक की दोस्तों कुछ यही अपडेट्स, इस वीडियो में इतनी ही अपडेट्स, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। तो
इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें। और किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, हेल्प, काउंसलिंग, गाइडेंस के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इन नंबर्स पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें। हमारी टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी काउंसलर से, किसी से भी काउंसलिंग, अगर आपको लग रहा है कि काउंसलिंग में हेल्प लेनी चाहिए तो आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पेड गाइडेंस अगर आप पहले लेते हैं तो उसकी क्या बेनिफिट होती है, मैं ये भी थोड़ा बता दूं। अगर आप पहले से पेड गाइडेंस लेते हैं तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली आपके पास क्या बेटर ऑप्शंस रहेंगे काउंसलिंग में, उसे एनालाइज करने में समय मिलता है और उससे एक हेल्प होती है, प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं और साथ ही साथ बता सकते हैं कि आपकी क्या क्या कहाँ कहाँ किन स्टेट्स में, सेंट्रल काउंसलिंग में, स्टेट काउंसलिंग में, कहाँ आपको कौन से ब्रांच में कैसे क्या बेटर ऑप्शन मिल सकती है काउंसलिंग के थ्रू। तो और ये चीज़ एनालाइज करने में बहुत हेल्प होता है क्योंकि स्टेप पहले से ही हम एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट पे अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट मिस होने की चांसेस रहती है, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज आने लगती हैं। तो हर किसी इंक्वायरी को उतना समय दे पाना जितना पहले दे सकते हैं वो पॉसिबल नहीं है लास्ट मोमेंट पर। लेकिन यही अगर आप पहले से पेड गाइडेंस लेते हैं या काउंसलिंग गाइडेंस लेते हैं तो हम पहले से ही आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करके रख सकते हैं, एनालाइज करके रख सकते हैं। इससे आप काउंसलिंग स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत हेल्प होती है, आपको भी हेल्प होगी और जो आपके लिए बना रहे हैं, जिससे आप ले रहे हैं हेल्प, उन्हें भी हेल्प होगी। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि मैं लास्ट मोमेंट पर जब काउंसलिंग स्टार्ट होने लगेगी तब काउंसलिंग गाइडेंस अगर चाहिए तो उस वक्त लेंगे, तो उस वक्त भी ले सकते हैं। लेकिन उस वक्त उतना हो सकता है कि ध्यान आप उतना आप पे फोकस ना जाए, क्योंकि और भी बहुत लोग होते हैं जिनकी इंक्वायरीज आते रहती है। तो बेटर ये रहेगा कि अगर आप पहले से अगर आपको लेना है पहले से लेना है काउंसलिंग गाइडेंस तो पहले से आप गाइडेंस ले, ताकि इससे आपकी एक प्रॉपर फुल प्रूफ काउंसलिंग स्ट्रैटेजी बन सके, एनालिसिस हो सके आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सी ब्रांच कहाँ मिल सकती है, डिजायर्ड ब्रांच, डिजायर्ड कॉलेज, उसकी एनालिसिस हो सके। इससे आप ही को हेल्प होगी और आप ही को काउंसलिंग में फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस स्टेटमेंट के साथ में, इस बात के साथ में हमारी वीडियो क्लोज करता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।